तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, बेसिकली देखिए, एक्चुअली समझिए चीज़ों को। 15 दिसंबर 2020 डेट आई है रेलवे की तरफ से, ठीक है, जिसमें पहला है एनटीपीसी और दूसरा है ग्रुप डी। दो एग्ज़ाम करवाने हैं इनको और लगभग इन दोनों एग्ज़ाम को करवाने में लगभग 3 महीने इनको बिक जाएंगे, 3 महीने से ऊपर ही लगेंगे, क्योंकि लगभग 2.8 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी तो बहुत देशों की आबादी भी नहीं होती, समझ रहे हो ना। लगभग 3 करोड़ की आबादी दुबई की है, सऊदी अरेबिया, समझे। तो इतने लोग बेरोज़गार हैं अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया में, और 55 लगभग 12 करोड़ जॉब्स और चली गई हैं, तो सोच लो कितना हो गए, है नहीं। चलो वो तो एक गैर बात हो गई, वो तो अलग चीज़ हो गई। हम बात करेंगे, देखो बात हमें इन दोनों पे करनी है, ठीक है, पर हम बेसिकली अभी एनटीपीसी पे नहीं बात करें, उस पर एक अलग वीडियो आएंगे, वो एक अलग लेवल होगा। अभी हम बात करेंगे ग्रुप डी पे। एनटीपीसी को पे हम कब डिस्कस करेंगे, देखो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले केवल ग्रुप डी के बारे में। यदि आप ग्रुप डी देना चाह रहे हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्या 3 महीने में पेपर निकाला जा सकता है, ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, किस लेवल का पेपर आता है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं ये क्यों आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि भैया सीधी सी मैं बात बता देता हूँ, 2018 में ग्रुप डी मैंने भी दिया है, ठीक है, मैंने भी दिया। देखो मैं एग्ज़ाम सब देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितने होशियार हो और कितने समय में आप कितना परफॉर्म कर सकते हो। तो भैया देखो, मेरे जो नंबर आए थे वो 80 आए थे 100 में से, ठीक है, 80 आए थे 100 में से, और ये केवल केवल लगभग ये मान के लो 1 मंथ ही मैंने पढ़ा था, उसी से ये बन गए थे। एक्चुअली ये नंबर एक्चुअली बोलेंगे तो 79.89 कुछ करके थे, तो 80 ही बोलेंगे, ठीक है। तो 80 नंबर आए थे 1 महीने के, 1 महीने से कम की प्रिपरेशन की थी हमने, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, यदि आप ग्रुप डी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत सिंपल पेपर होता है, ठीक है। पिछली बार की यदि मेरिट देखें, यदि मैं इलाहाबाद जोन की बात करूँ, तो इलाहाबाद की जो मेरिट थी पिछली बार, शायद SC जो थी वो 62 थी, OBC शायद वो 67 से 69 थी, वो अपना करेक्ट कर लीजिएगा, और जनरल शायद 77 के आसपास थी, ऐसे ही तो कुछ थी, ठीक है। ये हमारी इलाहाबाद की जो उनकी कट ऑफ थी, तो 80 नंबर थे, तो जनरल फाइट कर रहे थे, तो उसमें कोई मैटर नहीं है। हमने 80 नंबर लाए तो हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, तुमको फिर बताया, समझे कि नहीं। तो ये मत सोचो कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा, ठीक है। ग्रुप डी देखो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दो, नंबर अच्छे आते तो अच्छी बात है। मैंने ग्रुप डी दिया, NTPC दिया, LP भी मैंने दिया, LP भी मैंने क्लियर किया, सेकेंड राउंड से मैं बाहर हुआ था मेंस में, ठीक है। बाहर इसलिए हुआ था क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, लगभग ऑल इंडिया 800 वैकेंसी थी। चलो वो तो गैर बात हो गई, अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे। देखो ग्रुप डी, पहले ग्रुप डी को समझो होता क्या, इसमें आती है मैथ, इसमें आती है रीजनिंग, और इसमें आती है GS, GK, ठीक है, GS GK करंट अफेयर, ठीक है। तो GS GK करंट अफेयर में क्या हो सकता है भाई, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक GK, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पूछी जाती है, और ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो साइंस का होता है। ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है, साइंस का होता है। लेवल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यदि तुम ग्रुप डी निकालना चाहते हो, और यदि तुम टाइम लेकर चल रहे हो 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ यदि आप लेके चल रहे हो, तो भैया देखो मैंने 1 मंथ में पढ़ के कर लिया था, ठीक है, 80 नंबर आ गए थे। यदि आप 3 महीने करोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे कल ग्रुप में ये मुझसे पूछ रहे थे, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है ये नहीं। क्या करना होगा, मैथ, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा GS। अब मैं तुमको थोड़ा लेवल बता देता हूँ, मैथ्स का लेवल सिंपल रहता है, ये मान के चलो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई इसमें बहुत समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि तुम मान के चलो कि यदि 100 नंबर का पेपर होता है, और यदि नॉर्मल नॉर्मल मैथ भी आती है,
छोटे छोटे सवाल से आते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, बहुत टफ लेवल नहीं आते इसमें। यहाँ पे मैं एनटीपीसी नहीं कवर कर रहा हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जिसका आप आंसर लगा सकते हैं यदि आपने एक बुक कोई अच्छे से लगाई है। अब वो बुक कोई भी हो सकती है, आर डी शर्मा हो सकती है, सॉरी एच डी शर्मा हो सक एच डी वर्मा एच डी यादव हो सकती है, आर एस अग्रवाल हो सकती है, किरण हो सकती है, कोई भी बुक हो जो आपने एक बार अच्छे से लगाई हो उससे आप मैथ आराम से निकाल ले जाओगे। रीजनिंग, रीजनिंग का लेवल बहुत आराम से होता है, ईजी लेवल बोलेंगे इसको हम, ईजी आता है, मॉडरेट बिल्कुल नहीं आता, बहुत आराम से आता है। यहाँ कोई पजल वसल नहीं मिलती है, छोटी सी पजल यदि दो लाइन की मिल गई तो मिल गई, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, बाकी कोडिंग डिकोडिंग दुनियादारी ये सब भरा होता है। तो हम बोल सकते हैं रीजनिंग में यदि आप ढंग से स्कोर करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद बचता है जीएस वाला पोर्शन, तो जीएस में आप स्टैटिक जीके यदि लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसके लिए लूसेंट बहुत बढ़िया है, लूसेंट आप पढ़ते रहिए, बाकी हम जो थोड़ा करंट अफेयर जो हम पढ़ा रहे हैं जीएस वो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न आए ग्रुप डी को लेकर के, कोई चीज़ें आए, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कोई स्पेशली स्पेशल तैयारी नहीं की, वो ग्रुप डी कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता, बहुत नॉर्मल से एग्ज़ाम होता है। मेरा एग्ज़ाम सेंटर एमपी में पढ़ा था, और सही बताऊँ तो मेरे जाने का कोई मन नहीं था, पर एक दो दोस्त मुझे मिल गए कि यार चलो चलते हैं, तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं भाई, तो बस इसी में दे करके हम चले आए, कोई हमको ये नहीं कि नहीं निकाल के ही आना है, ठीक है, कोई हवा मत बनाना इसको, ठीक है, नॉर्मल से एग्ज़ाम है, थोड़ा सा यदि पढ़ोगे 2-3 महीने यदि तुम अच्छे से पढ़ लोगे आराम से निकल जाएगी, और बढ़िया रेस वेस तैयार कर लेना, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 नंबर का पेपर आता है इसमें, ठीक है, 100 नंबर का इसमें पेपर आता है लगभग, अब मुझे एकदम ढंग से याद नहीं है, शायद 40 में इसमें रीजनिंग आती है और 60 के आसपास इसमें जीएस वीएस कुछ आता है, ठीक है, नहीं शायद ओके ओके ये 30 का आता है, ये 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन और ये 40 क्वेश्चन आता है, हाँ अभी क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये 30 और ये 40 इतना सेक्शन आता है, माफ़ करिएगा इतना मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग और जीएस बहुत आराम से हो सकता है, और यदि तुमको इसके लिए टाइम टेबल चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए बढ़िया से टाइम टेबल बता दूंगा, और मैथ्स का चैप्टर बता दूंगा और रीजनिंग के चैप्टर और जीएस में बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी आप यदि स्पेशली ग्रुप डी को दे रहे हो तो जीएस पे, जीएस में जो जनरल साइंस है ना उस पर ज़्यादा फोकस डालना, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक बुक अलग से ले लेना, अरियन लूसेंट की ही आती है जनरल साइंस की, अलग से बुक ले लेना, वो आपको एक्चुअली एनटीपीसी में भी काम दे दी देगी और यहाँ पर भी काम देगी, तो वहाँ पर उसको तुम अलग से ले लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी और कुछ भी अलग बहुत हुआ नहीं है, आराम से आप यदि, हाँ टारगेट कह रहे थे कितना टारगेट होना चाहिए, कितना मैक्सिमम टारगेट, तो भैया हमने बोला टारगेट 80 रखो, ठीक है, 80 क्यों रखो, क्योंकि मैं ला चुका हूँ 80, तो मैं ला सकता हूँ तो तुम भी ला सकते हो, कोई बड़ी सनी वाली बात नहीं, 80 टारगेट रखो और इसी को अचीव करने का, तुम SC हो OBC हो जनरल हो EWS हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिमाग से अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं जनरल में हूँ EWS में हूँ किस में हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता, जब तुम तैयारी करते हो ना, जो शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, ध्यान समझो मेरी इस बात को, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है, यदि तुम शिक्षा को ले रहे हो अपने दिमाग में ये बैठाल रहो तो किसी भी एग्जाम बैठो तो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का ट्राई करो, तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे, ठीक है, इसलिए अपने आप को दिमाग में हटा दो, हम SC हैं OBC हैं, पर्टिकुलर कोई नहीं है, बाकी हम एक बार पूरी डिस्कस कर देंगे, 80 का तुम टारगेट लेके चलो, ट्राई करो कि 80+ हमको करने आराम से हो जाएगा, कंपटीशन लो हो रहा डाउन हो रहा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम तैयारी करो सिर्फ और सिर्फ तैयारी, फोकस तैयारी बढ़ा लो, जितनी ST दे पाओ, जितने मैथ्स के क्वेश्चन लगा पाओ, जितनी रीजनिंग लगा पाओ, बहुत अच्छा है, AJ Live पे हम ट्राई कर रहे हैं, AJ Live पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, तो टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, टाइम आप देखिए कि 7, 8 या 9 इन तीनों में से जो आपको टाइम शेड्यूल लगे कि 7 सब शाम के हैं कि 7 PM को लाना चाहिए, 8 PM को लाना चाहिए या फिर 9 PM को, जो है आप बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम ग्रुप डी और NTPC और UPSI तीनों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, 25-25 क्वेश्चनों के सिलेक्शन आपकी राय पे, यदि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम लेके आएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना।